आज का टॉपिक है हमारा ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, मतलब DTAB। आपका जो फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस जो सब्जेक्ट है आपको थर्ड ईयर में, उसमें से DTAB का आपको क्वेश्चन आता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि DTAB क्या होता है और उसके कॉन्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो DTAB के कंटेंट क्या क्या है, हम सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे उसका, कंपोजिशन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ DTAB देखेंगे, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, एक्स ऑफिशियो मेंबर कितने हैं, नॉमिनेटेड कितने हैं और इलेक्टेड कितने हैं, और उसके बाद हम इसका फंक्शन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे टेक्निकल फार्मा यूट्यूब चैनल में। इंट्रोडक्शन देखेंगे सबसे पहले। इंट्रोडक्शन में आपको, इट इज़ अ स्टेटसरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एडवाइस टू सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि जो स्टेटसरी बोर्ड है, ये इसमें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कॉन्स्टिट्यूट करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये चलता है। सेकंड पॉइंट है, इट इज़ अ टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी रिप्रेजेंटेड बाय एक्स ऑफिशियो नॉमिनेटेड और इलेक्टेड। ये टेक्निकल एडवाइजरी जो बॉडी है वो रिप्रेजेंटेड क्या करती है कि एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, इसमें नॉमिनेटेड भी होते हैं और इलेक्टेड मेंबर होते हैं। थर्ड पॉइंट है, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ DTAB इज 18, मतलब 18 मेंबर हम इसमें ले सकते हैं। डिफरेंट फार्मेसी और मेडिसिनल प्रोफेशन इन कंट्री, कंट्री में फार्मेसी और मेडिकल प्रोफेशन बढ़ाने के लिए हम डिफरेंट प्रेजेंटेशन ले सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, द डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड सर्विस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ DTAB। DTAB का चेयरमैन कौन होता है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन, व्हाइल द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इज अ मेंबर ऑफ सेक्रेटरी। जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के जो होते हैं वो मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। ये फोर पॉइंट है, द हेड ऑफिस ऑफ DTAB इज एट द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, निर्माण भवन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली को निर्माण भवन है, वहाँ DTAB का हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस एट द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो आपका DTAB का हेड ऑफिस सही है। ये हुआ इसका जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे इसके कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट इन दिस रूल में, जो टेक्निकल बोर्ड है इसमें कौन कौन से आते हैं, 3 पॉइंट इसके क्लासिफिकेशन है। 3 एडवर्सरी है और एग्जीक्यूटिव है और एनालिटिकल है। तो सबसे पहले हम आज हम देखने वाले कि एडवर्सरी बोर्ड के बारे में, ड्रग टेक्निकल एडवर्सरी बोर्ड मतलब DTAB, ड्रग कंसल्टिव कमेटी मतलब DCC, और सेकंड वाला है एनालिटिकल। एनालिटिकल में फर्स्ट है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी CDL, ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी इन स्टेट, स्टेट के अंदर ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी कौन कौन से, गवर्नमेंट एनालिस्ट, इस पेपर आपको क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट एनालिस्ट पर 5 मार्क के लिए। एग्जीक्यूटिव कमेटी के में लाइसेंस अथॉरिटी है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आपको जो फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस का जो एग्जाम होगा वह उसमें भी आपको ड्रग इंस्पेक्टर का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो यह उसका क्लासिफिकेशन की कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट है एंड रूल है। तो अब हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। सबसे पहले एक्स ऑफिशियो मेंबर है। एक्स ऑफिशियो मेंबर में 8 मेंबर लेना होता है। तो ड्रग द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस लेते हैं हम इसमें एक ऑफिसर। मेंबर ऑफ ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया के लिए मेंबर लेते हैं। द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कलकत्ता, द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कौसली, एंड डायरेक्टर ऑफ इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, द प्रेसिडेंट ऑफ PCI एंड प्रेसिडेंट ऑफ MCI। ये हम 8 मेंबर इसमें लेते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर में। तो ये वो आपका फर्स्ट पॉइंट कि एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन कौन से होते हैं। 8 मेंबर होते हैं, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ जनरल, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, प्रेसिडेंट ऑफ PCI और प्रेसिडेंट ऑफ
MCI, ये वो आपका एक्स ऑफिसियो मेंबर। अब हम देखेंगे नॉमिनेटेड में, नॉमिनेटेड में 5 मेंबर लेने होते हैं, तो 2% फ्रॉम इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल इन स्टेट, स्टेट में से हम 2 इंचार्ज लेते हैं, 2% लेते हैं नॉमिनेटेड में। 1% फ्रॉम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी एक इंडस्ट्रियल 1% लेते हैं, और 2 गवर्नमेंट एनालिस्ट लेते हैं, 2 गवर्नमेंट एनालिस्ट नॉमिनेटेड में लेते हैं, तो 5 मेंबर हम इसमें लेते हैं। तो ये हुआ नॉमिनेटेड मेंबर का। अब हम देखेंगे इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं, इसमें भी 5 पॉइंट है। तो इलेक्टेड मेंबर में भी 1 टीचर इन फार्मेसी, फार्मेसी में से 1 टीचर लेते हैं, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी लेते हैं, और फार्माकोग्निसी का भी ऑन स्टाफ, इस स्टाफ में से हम 1 टीचर को लेते हैं इलेक्टेड मेंबर में। ऑफ एफिलेटेड कॉलेज, यो एफिलेटेड बाय कॉलेज इलेक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ PCI, ये जो फर्स्ट पॉइंट है कि हम 1 टीचर लेते हैं फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, कोग्नोसी का, और PCI के अंडर होता है। सेकंड पॉइंट है 1 टीचर इन मेडिसिनल मेडिसिन और थेरेपेटिक ऑन स्टाफ, जो मेडिसिन और थेरेपेटिक में भी जो टीचर होते हैं उसमें से 1 टीचर लेते हैं हम यूनिवर्सिटी एफिलेटेड कॉलेज इलेक्टेड बाय एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ MCI, इसे MCI कंडक्ट करती है। और थर्ड पॉइंट है 1 फार्माकोलॉजिस्ट इलेक्टेड बाय द गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मेडिकल रिसर्च में जो इंडियन काउंसिल होता है उसमें हम एक फार्माकोलॉजिस्ट लेते हैं। 1% इलेक्टेड बाय द सेंट्रल काउंसिल इंडिया और मेडिकल एसोसिएशन, मेडिकल एसोसिएशन के लिए हम 1% इलेक्टेड करते हैं। 1% इलेक्टेड बाय काउंसिल ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, इसमें भी हम 1% को इलेक्टेड करते हैं। तो ये आपका इलेक्टेड, ये हुआ नॉमिनेटेड, और ये आपका एक्स ऑफिसियो, और ये आपका इंट्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेशन। और अब हम देखेंगे कि फंक्शन, कि इसके फंक्शन क्या क्या है। तो फंक्शन में इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर इज फॉर 3 ईयर, 3 ईयर के लिए हम इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर को ले सकते हैं। द एक्स ऑफिसियो मेंबर होल्ड द ऑफिस एज लॉन्ग एज दे आर इन दैट स्पेसिफिक पोजिशन, जो एक्स ऑफिसियो मेंबर होते हैं उसको होल्ड रखता है ऑफिस, होल्ड ऑफिस, ऑफिस में जो एक्स ऑफिसियो मेंबर होते हैं इसको होल्ड रखता है एज दे इन स्पेसिफिक पोजिशन, जब तक वो कुछ उच्च पोजिशन पर और स्पेसिफिक पोजिशन पर नहीं चले जाते तब तक ऑफिस उसको होल्ड करके रखता है। तो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड 3 ईयर के लिए होते हैं, और एक्स ऑफिसियो मेंबर स्पेसिफिक पोजिशन तक चले जाने तक वह होल्ड होते हैं। थर्ड पॉइंट है डी टैब टेक पॉलिसी डिसीजन पार्टनिंग एंड टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल एंड सेंड द रिकमेंडेशन टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इट्स अप्रूवल। तो इसमें क्या होता है कि जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसमें रिकमेंडेशन करता है मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इट्स अप्रूवल, अप्रूवल के लिए हमें सेंड करना पड़ता है, हमारा जो पॉलिसी वगैरह है डी टैब का वो हमें अप्रूवल के लिए भेजना पड़ता है। तो 4.8 डी टैब ऑर्डिनरली मीट ट्वाइस इन ईयर, डी टैब का मीटिंग होता है एक ईयर में 2 बार, ट्वाइस अ ईयर 2 बार में इसका मीटिंग होता है फॉर सर्टन अर्जेंट मैटर, कुछ अर्जेंट मैटर हुए तो उसमें एक साल में 2 बार मीटिंग की जाती है। और डी टैप कैन समन विथ 1 वीक नोटिस, कुछ भी नोटिस आया हो तो 1 वीक में एक नोटिस वो देता है। 5वां पॉइंट है समटाइम वेरी अर्जेंट मैटर कैन बी प्रायोरिटी बेसिस और डिसीजन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सम कुछ टाइम ऐसा हो जाता है कि वेरी अर्जेंट मैटर आ जाते हैं तो फिर बेसिक और डिसीजन लेते हैं मिनिस्ट्री हेल्थ ऑफ इंडिया एंड वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके कंडक्ट करती है। 6 पॉइंट है हाउएवर द सच डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू रेटिफाइड बाय द डीटा विद इन 6 मंथ, जो डिसीजन लेना है गवर्नमेंट को और 6 मंथ में उसको रेटिफाइड कर देती है। तो ये उसका फंक्शन,
आपको फंक्शन में कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको इलेक्टेड नॉमिनेटेड लिखना है, एक्स ऑफिशियल लिखना है कि अप्रूवल भेजा जाता है और मीटिंग कर दी है 1 साल में 2 बार, और समटाइम अर्जेंट मैटर भी वो सॉल्व कर देती है और 6 मंथ में इसका डिसीजन लिया जाता है। तो आपका डीटैप के बारे में फुल इंट्रोडक्शन। तो आशा करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब के बाजू में घंटे वाला बटन है उसे भी दबाना मत भूलिए, नहीं तो आपके पास